तो गाइस ये है पार्क, देखिए अभी हम लोग पार्क में आ चुके हैं। और देख के गाड़ी चलाने का हिम्मत नहीं करता। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं सऊदी में कैसा पार्क होता है। हम लोग जाएंगे आज पार्क में घूमने के लिए, तो ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और आप लोगों से एक शिकायत है, ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया। तो गाइस ब्रेकफास्ट आ चुका है अपना, और ब्रेकफास्ट में क्या है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो गाइस ब्रेकफास्ट में चने आलू की सब्जी और रोटी और पानी का रहता है। तो गाइस फाइनली अभी बिला से बस निकल चुका है, क्योंकि आते 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 मेरे को लेट हो गया है एक मिनट, क्योंकि बस का टाइम ऑलरेडी 2-3 मिनट ज़्यादा है और हमारा मोबाइल का टाइम एकदम करेक्ट है, लेकिन फिर भी मिल गया। तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं स्टोर में। फाइनली हम लोग आ चुके हैं ड्यूटी पे और अब पंच करने के लिए जा रहे हैं, और असलम भाई भी साथ में आ चुके हैं। और हम लोग किधर जाएंगे ये खुद बताएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी हम लोग आए हैं मॉल में, अब यहाँ से जाया जाएगा 3 बजे, तो उसके बाद पार्क में जाया जाएगा। नज़ारा कुछ और होगा। आप लोग लाइक फटाफट कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो आगे देखिए। आप लोग बने रहिए, आप लोग बने रहिए वीडियो पर। तो गाइस फाइनली अभी हो चुका है ड्यूटी खत्म और 3:10 हो रहा है। 10 मिनट हो गया हम लोग निकले हुए स्टोर से, और देखिए हम लोग का स्टोर यहाँ से। ये देखो सामने जो है स्पार, हम लोग का स्टोर। असलम भाई इधर आज एकदम कैप वगैरह लगा करके हीरो लग रहा है। असलम भाई, असलम भाई का ड्राइविंग भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखो आगे, आगे वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। अभी 3 बजे हम लोग पार्क में जाएंगे, फटाफट लाइक कमेंट कीजिए। तो गाइस हम लोग जाने वाले हैं, फर्स्ट टाइम मैं पार्क में जा रहा हूँ। इसके पहले मैं गया काफ़ी दिन पहले, लेकिन मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करता था, लेकिन अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सऊदी में पार्क कैसा होता है। सऊदी का पार्क बहुत बेहतरीन है, आप लोग देखिएगा तो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे, रूम पे जाने के बाद कितने देर तक पहुँचते हैं उसके बाद हम लोग जाएंगे। असलम भाई ट्रैफिक है कि नहीं आज? आज तो इधर तो अभी तक पता नहीं है, अब आगे हाईवे पर मेन रोड रिंग रोड पर पता नहीं। अच्छा, तो भाई अभी हम जिस रूट से जा रहे हैं ये रास्ते का नाम है अनस बिन मलिक, अनस बिन मलिक के एरिया का और रास्ते का मतलब रोड का नाम है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे और रिंग रोड पकड़ेंगे। रिंग रोड पकड़ने से पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, कल तो बहुत ज़्यादा था, आज बने रहिए, बाकी आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा इस ब्लॉग में। ये रेड लाइट यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, इसको अरबी में बोलते हैं इशारा। तो भाई इधर नवाज भाई बैठा है, नवाज भाई बोलो भाई। अभी टाइट में ज्यादा आप कुछ भी खिलाएगा मुश्किल है हम कर। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रिंग रोड पे, और देखिए कितना ज्यादा ट्रैफिक है। आप लोग मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ से शुरू है और बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिए इतना सारा ट्रैफिक है, सब घुमा के का टाइम हो रहा है 3:40 और अभी हम लोग 10 नंबर पे ही है। 3:30 तक हम लोग 11 नंबर पे होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग 10 नंबर पे है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। गाइस अभी आने वाला है 11 नंबर, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ प्लेन का म्यूजियम, यानी यहाँ पे प्लेन वगैरह रखा हुआ, छोटी बड़ी प्लेने रखी हुई है। 11 नंबर हम लोग इंटर हो रहे हैं। गाइस यहाँ तक जाम हमने पहली बार देखा है, क्योंकि एकदम हम लोग रूम के पास आ चुके हैं और यहाँ तक जाम है। बताइए यहाँ पे हम लोग आधा घंटा हो गया फंसे हुए, आप लोग देखिए वीडियो। तो रूम के पास हम लोग आ चुके हैं, यानी 5 मिनट का रास्ता है, और यहाँ पे आकर के आधा घंटा हो गया। आगे शायद एक्सीडेंट होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, एक्सीडेंट है ना गाइस, आगे हुआ है एक्सीडेंट खतरनाक वाला, आप लोग दिखाता हूँ मैं आप लोग को। सामने पुलिस वाला खड़ा है, वही पास करा रहे, इसलिए जाम लग गया। गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ, पूरा फ्लड हो गया, कपड़ा उपड़ा पूरा गीला हो गया ब्लड से, यानी लग रहा है कि मतलब बचने वाला नहीं आदमी। आ चुके हैं आधे रास्ते में पार्क के लिए, और हम लोग आए 5 बजे रूम पे। गाइस आज बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला ट्रैफिक, पूरा 2 घंटे लगा है, क्योंकि रास्ता में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था। असलम भाई बहुत बिगड़ हुआ था, गाड़ी में आदमी फंसा हुआ था, आदमी नहीं निकला था, हम लोग देख के एकदम चकरिया।
ब्लड से कपड़ा मतलब लाल हो गया था गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। बाकी ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सब देख के गाड़ी चलाने का हिम्मत नहीं करता है, क्या किया जाए, मजबूरी है। चलते चलते हम लोग थक चुके हैं और यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कितना दूर है पार्क। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ये असलम भाई का दूसरा बार है, मैं इनका साथ में जा रहा हूँ। गाइस ये देखिए पूरी रिहाइश बनी हुई है, पूरा मतलब जैसे जो सिटी में काम करते हैं वो लोग इधर ही आ कर के रहते हैं, जैसे हम लोग मार्केट वगैरह में जॉब करते हैं, बाकी हम लोग की रिहाइश इधर है। तो ये है देखिए गाइस, ये पूरी जो है लेबर एरिया है, जजिस्टन है, इधर पूरा लेबर वगैरह जैसे अजनबी लोग रहते हैं जो भी काम करने वाले हैं, सिटी में काम करते हैं, बाकी उन लोगों के बिला रिहाइश वगैरह इधर है। मतलब काफ़ी बड़ी जगह है जजिस्टन ही है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं पार्क के पास। पार्क कैसा है आप लोग देखिए, यहाँ का सऊदी अरबिया का मतलब पार्क तो अलग अलग तरीके का होता है, यहाँ का ये वाला पार्क कैसा है आप लोग देखिए। ये है पार्क देखिए, अभी हम लोग पार्क में आ चुके हैं और इधर घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बगल में चारों तरफ बिलाए और बीच में पार्क है देखिए। लंबाई सही लग रहा है कि नहीं? सही लग रहा है, सही लग रहा है, पूरा रिलैक्स हो जा रहा आदमी। पूरा ओरिजिनल घास है, रेडीमेड नहीं है, प्लास्टिक वाला देखिए। और इधर गाइस देखो अंदर में वो शॉप वगैरह भी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लाइन लगा के बंदे सामान वगैरह ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम आया हूँ कसम से बता रहा हूँ, वो भी मैं असलम भाई के साथ में। मुझे पता नहीं है कि ये पार्क किधर था, लेकिन अभी पता चल गया किस साइड में। अभी मैं भूलने वाला नहीं हूँ, कभी भी आऊँगा तो आ सकता हूँ। ये देखिए गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, ये छाता के जैसा बना हुआ है बहुत जगह में, देखिए उधर भी है, तो ऐसा है कि यहाँ पर बना हुआ, उसके नीचे हम लोग खड़े हैं। ये किस लिए बना होगा असलम भाई? ये धूप के लिए बना गया है कि जब धूप होगी तो आदमी अंदर में आराम करेगा बैठ के। हेलो हला हला अहमद, गाइस यहाँ से देखिए मैं आप लोग दिखाता हूँ बैक कैमरा से पूरा पार्क का नजारा देखिए। गाइस ये वाला मज़ा आ रहा है देखिए, दोनों खजूर के बीच में असलम भाई खड़े, इनका एक पिक्चर लेते हैं, पिक लेते हैं। गाइस असलम भाई खड़े हैं, देखो कितना मस्त लग रहा है, एकदम मज़ा आ जा रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस रूम पे, क्योंकि हम लोग सिर्फ पार्क में आए थे सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए ही। तो अभी हम लोग ब्लॉग वगैरह तो बना लिए हैं और बाकी आप लोग ब्लॉग में देखिएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि रूम भी हम लोग का काफ़ी दूर है, जाने में टाइम लगेगा। गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं रूम पे और असलम भाई का मेरा दोनों का हालत जो है ख़राब हो गया है। असलम भाई तो आते ही बेड पकड़ लिया, असलम भाई बताइए आप ही। हाँ एकदम हालत ख़राब हो गया, आते ही बेड पकड़ लिया, क्या है कि एक तो रोड का देखा लो कि एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बिजोड़ एकदम देख के एकदम हिम्मत दिमाग देख करके दिमाग एकदम हिल गया है गाइस। हाँ आदमी फंसा हुआ था, उसको निकाला नहीं, उसी में फंसा हुआ है, चिल्ला रहा है, तीन तीन गाड़ी लड़ी थी, क्या किया जाए, सऊदी में दिखाना मुमनू है, इस वजह से हम लोग नहीं देखा पाए। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिए, आप लोग पूरा देख लेंगे तो हम लोग का मेहनत जो है सफल हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।